नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में 96,000 के पार कोरोना के मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 96,163 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केसेस 56,316 हैं और देश में अब तक 36,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से 3,029 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो देश में 96,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 96,163 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 56,316 एक्टिव केसेस हैं। 36,823 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर गए हैं। तो लॉकडाउन का चौथा चरण भी लग चुका है और संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। 96,000 संख्या पहुंच चुकी है। वो समय दूर नहीं है जब संख्या 1,00,000 के पार पहुंचेगी। देश में कोरोना से 3,029 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 96,000 के पार कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। देश में कोरोना से 3,029 लोगों की अभी तक मौत हुई है। आंकड़ों में लगातार दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। 96,000 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,511 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केसेस 1,763 हैं। यूपी में अब तक 2,636 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 112 लोगों की मौत हुई है। खबर लखनऊ से, जहां प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। योगी सरकार ने स्वीकार किया प्रियंका गांधी का प्रस्ताव। 1,000 बसों की सूची ड्राइवर कंडक्टर के नाम के साथ में मांगी है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए कांग्रेस की बसों का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रस्ताव आखिरकार स्वीकार किया गया। योगी सरकार ने स्वीकार किया प्रियंका गांधी का प्रस्ताव। 1,000 बसों की सूची ड्राइवर कंडक्टर के नाम के साथ में मांगी गई है सूची। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। तो योगी सरकार ने प्रियंका गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 1,000 बसों की सूची ड्राइवर कंडक्टर के साथ में नाम मांगा गया। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी है प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को लेकर? बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि वो मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों को लाने के लिए कांग्रेस के खर्चे पर बसें उपलब्ध कराना चाहती हैं, जिसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार डिनाई कर रही थी कि कांग्रेस देश की राजनीति कर रही है, कुलचित राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं उस सारी चीजों पर विराम लग गया है। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी को अनुमति दे दी है कि वो उनकी बसों को लेने के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जो भी चालक है, परिचालक है, साथ ही साथ बसों की जो डिटेल है पूरे विवरण के साथ वो सरकार को उपलब्ध कराए और सरकार उनकी बसों को लेने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। कांग्रेस के लिए ये बड़ी बात जरूर होगी कि वो 1,000 बसों की पूरी डिटेल और साथ ही साथ चालक परिचालक का पूरा विवरण अगर वो देते हैं तो यूपी सरकार उनकी बसों को ले रही है, और अगर वो नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ा ड्रॉबैक जरूर होगा, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर राजनीति चल रही थी जहां बीजेपी और सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कई ट्वीट किए थे, अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहीं ना कहीं अब उस राजनीति को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने जहां उनको अनुमति दे दी है सरकार ने, अब देखना यह होगा कि वो इन 1,000 बसों का विवरण कब तक सरकार को उपलब्ध
उपलब्ध करा दी है जी। बिल्कुल एसके, यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर तमाम आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि आप नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन जब विवरण आपसे मांगा जाता है तब आप वो लिस्ट, वो सूची जो आपसे हमेशा मांगी जाती है वो आप नहीं देते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अब सरकार ने जब अनुमति दे दी है, सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह ने पूरा आदेश जारी करके कांग्रेस महासचिव के निजी सचिव को ये उपलब्ध भी करा दिया है आदेश, ये आदेश प्रदेश कार्यालय भी पहुंच चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को देखना है कि वो क्या स्टैंड है, क्योंकि जहां वो लगातार कह रहे थे कि उनकी बसें राजस्थान से चल चुकी हैं, पंजाब से चल चुकी हैं और यूपी के बॉर्डर के जिलों में उनकी बसें खड़ी हैं, लेकिन यूपी सरकार उनको अनुमति चलिए इसके बने रहे। हमारे साथ में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ बार इंडिया पर। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने प्रस्ताव दिया था और वो प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया सरकार की तरफ से, उन 1000 बसेस की सूची मांगी गई है, सर कब तक मुहैया होगी? 10 मिनट में वो सूची सरकार के हाथ में होगी, वो सारी की सारी सूची कल लेकर के हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और हमारी विधानमंडल नेता श्रीमती मोना जी लेकर के गई थी आराधना मिश्रा जी, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उन्हें नहीं मिला था। आज उन्होंने कहा है 10 मिनट में वो सूची वहां पर उपलब्ध होगी। ठीक है, चलिए सर, आपने कहा कि कोई नुमाइंदा नहीं मिला है, लेकिन अब तो ऑफिशियली आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया है और विवरण आपसे मांगा गया है, फिर तो इमीडिएट बेसिस पर विवरण दे देना चाहिए था, क्योंकि आपकी तैयारी तो पहले से थी। मुझे नहीं मालूम, मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं मिल पा रही है सुरेंद्र जी। अगर प्रश्न अगर दोहरा दे, कोई आदमी बीच में बोल रहा है लगातार। सुरेंद्र जी, बात ये है कि आपने कहा कि कोई भी नुमाइंदा नहीं मिला, लेकिन अब चूंकि ऑफिशियली आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया है, तो अभी विवरण देने में कितना समय है सर, जब आपके पास तैयारी पूरी है? 10 मिनट में हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार को वो सूची उपलब्ध करा देंगे, ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। सुरेंद्र जी, सरकार आपके ऊपर बार बार आरोप लगाती रही है कि नुक्ताचीनी आप करते हैं, जब सूची मांगी जाती है, लिस्ट मांगी जाती है कि कहां पर कितनी बसें चल रही हैं, कौन कंडक्टर है, कौन ड्राइवर है, तब वो सूची नहीं दी जाती है। सरकार जो है कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। हमसे कल ना मुख्यमंत्री मिले, ना मुख्य सचिव मिले, ना डे क्या नाम मुख्यमंत्री के डे ऑफिसर मिले, आज सरकार ने ट्वीट के माध्यम से हमें सूचना दी है, तो हम सरकार को जिम्मेवारी पूर्वक कह रहे हैं कि हो सकता है सूची अभी मिल भी गई हो सरकार के पास, नहीं तो अगले 10 मिनट के अंदर अंदर वो सूची मिल जाएगी। चलिए बिल्कुल ठीक है सर, तो अगले 10 मिनट में हम फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगले 10 मिनट तक सूची पहुंचाई गई है या नहीं, क्योंकि आपने बहुत भरोसे के साथ कहा कि 10 मिनट में सूची मिल जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके, हमारे साथ बने हुए। इसकी कोई अपडेट मिला है क्या, जैसा सुरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि 10 मिनट अंदर सूची मिल जाएगी, या हो सकता है कि सूची मिल गई हो? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो सूची लेके मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर ये बात कही है कि सरकार ने जो हमें अनुमति दी है उसको हम धन्यवाद करते हैं और हम लोगों को बचाने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं और हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे लोगों को बचाया जा सके, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम शाम को आज मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और जो भी सूची, जो रिक्वायरमेंट यूपी सरकार की तरफ से बताई गई है, उसको हम फुलफिल करेंगे और उनको पूरी सूची सौंप देंगे जी। चलिए अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया इसके। खबर लखनऊ से है, जहां कोविड-19 से निपटने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर व्यवस्था प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में व्यवस्था प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश से पहले हर कार्यकर्ता पदाधिकारी सैनिटाइज किया जाएगा। एंट्री गेट पर तैयार किए गए सैनिटाइजर टनल से गुजर कर खुद को सैनिटाइज करना होगा। एंट्री गेट के अंदर मास्क मशीन, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, थर्मल स्कैनिंग लगाई गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तैनात किया गया है स्वास्थ्य कर्मचारी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहला ऐसा राजनीतिक दफ्तर बना जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, प्रदेश का ये पहला ऐसा दफ्तर बना है जहां पर इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं।
बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति यहां पर जो भी आएगा वो इन तमाम प्रोसीजर से गुजरता हुआ तब आएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है, इसी को लेकर चौथी बार जो है लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया गया है। हम इस समय उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये सैनिटाइजर टनल बनाया गया है कि अगर कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कार्यालय में आता है तो सबसे पहले उसको खुद को सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद कार्यालय के अंदर जाएगा। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरीके से ये जो सैनिटाइज टनल बनाया गया काम करता है। इसमें एक जो है ऑटोमेटिक सेंसर लगाया गया है, इसके अंदर प्रवेश करते ही ये चालू हो जाता है, जिसके बाद ये कपड़ों के साथ बॉडी को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर देता है। इसके आगे भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में रहती है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे अपने पदाधिकारियों को सुरक्षित रखा जाए, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं। अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी कार्यालय में आता है, उसके पास मास्क नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मास्क मशीन लगाई गई है। अगर उसके पास नहीं है तो इस मास्क मशीन से वो मास्क ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। ये मास्क मशीन लगाई है। दूसरी ओर एक इसमें बटन लगाई है, जिसको प्रेस करने के बाद मास्क ऑटोमेटिक यहाँ से निकलेगा और वो उसके बाद जो व्यक्ति मास्क निकालेगा उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि लोग जो यहाँ पर आए हैं अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, या हाथ को सैनिटाइज करने के लिए एक मशीन लगाई गई है। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने अभी अपने हाथों को सैनिटाइज किया है। उसके बगल में आप देख सकते हैं कि ये जो है थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाई गई है। कोई बाहर से व्यक्ति आता है, पदाधिकारी आता है, कार्यकर्ता आता है, तो सबसे पहले खुद को यहाँ पर जो है टेस्ट करना होगा कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसके बाद ही कार्यालय के अंदर उसको प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी ओर की तस्वीरें आपको दिखाएं कि दूसरी ओर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की एक कर्मी को भी तैनात किया गया है, निरंतर यहाँ पर तैनात रहेगी जब तक ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चलेगी। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर की गई हैं। ये पहला राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि इस वैश्विक महामारी को देखते हुए लगातार जो उत्तर प्रदेश के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना को देखते हुए हमको कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, उसी के तहत तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय पर की गई हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए नीलेश चौहान।